हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डाइट का 12th डे और शुरुआत की गर्म पानी से। थोड़ा सिप सिप करके रुक के इसको ख़त्म किया। और ब्रेकफास्ट में आज साबूदाना भिगो लिया था उठते ही, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो इसी को भिगो लिया था। फटाफट से इसको बना लिया। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो 1 कप चाय के साथ, विदाउट शुगर चाय के साथ, मैंने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है साबूदाना। और लंच में आज कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ी सी वेजीज थी उसी को फटाफट से चॉप किया। पनीर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, मटर है, ये फ्रोज़न मटर है जो मैं ठंड में इसको फ्रोज़न करके रखी थी, ये वही है। और ऐसा रहा मेरा लंच। और लंच मेरा इतना लाइट था तो डिनर में सोचा कुछ चावल के साथ कोई सब्जी खाते हैं। तो आज मैं डिनर में सोच रही थी कि पनीर बना लेते हैं, और ये क्विक सी पनीर है, मटर पनीर बना रही हूँ। कोई स्पेशल शादी वाली, बर्थडे वाली, होटल वाली, रेस्टोरेंट वाली, ऐसी कुछ भी नहीं है। सरसों के तेल में मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन की प्योरी बना के एक साथ डाल लिया था। फिर घर के बेसिक मसाले डाल के इसको अच्छे से भून लिया है, और ये फटाफट है। और मुझे लगता है सभी के घरों में ऐसे फटाफट वाले भी सब्जी कभी कभार ज़रूर बनती होगी। तो इसको अच्छे से भूनना तो ज़रूरी है, क्योंकि फिर कच्चापन आता है। और फिर मैं इसमें डालूँगी मटर, जो कि मैं ऑलरेडी फ्रोज़न करके फ्रिज में रखती हूँ। साथ में डालूँगी गर्म पानी, जिससे कि जल्दी से बॉयल आ जाए सब्जी में फटाफट। और ये डाल दिया पनीर। यहाँ पनीर मैंने सेक लिया था तवे पे, और इसको डीप फ्राई नहीं किया है। ऐसा रहा मेरा डिनर, मैं इसको चावल के साथ इंजॉय करूँगी। रात में ले रही हूँ इसबगोल की भूसी, जो शायद मैंने शायद 1 दिन या 2 दिन से नहीं ले रही हूँ, तो थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ चल रहा है, पर कोई नहीं, आ जाएंगे ट्रैक पे। ऐसा रहा मेरा डे नंबर 12। आपको मेरी वीडियो कैसे लग रहे हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, गुड नाइट।